अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम मुसव्वर अहमद है एंड वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी अरसे की बात है कि वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें थी जो लाइफ में चल रही थी, सच एज ऑफिस का काम, घर का काम, जिनकी बुनी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया, बट आई एम बैक। बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो बहुत 6 महीने पहले रिकॉर्ड हो चुकी हैं, बट वो एडिट ना होने की वजह से वो अभी तक पेंडिंग में है। डेफिनेटली हम इनको एडिट करूँगा और आई विल बी कंटिन्यूइंग अपलोडिंग ऑन दिस चैनल। सो आप घबराने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह वीडियोस अपलोड होंगी। जैसा कि आप टाइटल पे देख चुके होंगे, ये वीडियो है अफनान 9 PM की। कुछ क्लोन्स फ्रेगरेंसेज ऐसी होती हैं कि जो टाइम्स जब टाइम इनिशियली जब वो रिलीज़ होती हैं तो उनकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब वो पॉपुलर हो जाती हैं, जब मास प्रोडक्शन उनकी शुरू हो जाती है, उनके बैचेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो रीफॉर्मुलेट हो जाती हैं बैचेस के साथ साथ। हर एयरली मोस्टली फ्रेगरेंसेज क्या करती हैं, नए बैच के फ्रेगरेंसेज रिलीज़ करती हैं, और उनमें क्या होता है कि रीफॉर्मुलेशन कभी टोन डाउन हो जाती हैं, कभी ऑयल ज़्यादा हो जाता है, कभी कोई नए इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं, थोड़ी सी फ्रेगरेंस चेंज हो जाती है। जैसे कि क्रीड एवेंटस के कुछ बैच स्मोकी थे और कुछ फ्रूटी थे, और मोस्टली लोग जो है ना, यूजली जो पुराने क्रीड एवेंटस के फ़ैन हैं वो स्मोकी बैच पसंद करते हैं, जैसे कि मैं, मोस्टली मुझे फ्रूटी बैच पसंद नहीं। इसी तरह ये एक थोड़ा सा हादसा हुआ लमेल जेन पॉल के साथ भी, कि उन्होंने क्या किया कि एक फ्रेगरेंस रिलीज़ की जो है लमेल के नाम से, जो कि थोड़ी पॉपुलर हो गई। पर टाइम टाइम क्या हुआ कि कुछ इंग्रेडिएंट्स के ऊपर पाबंदी लगने की वजह से वो जो है उसमें रीफॉर्मुलेशन की गई, जिसकी वजह से स्मेल थोड़ी सी चेंज हुई, थोड़ी सी टोन डाउन हुई, परफॉर्मेंस डाउन हुई। बट एक कंपनी, एक क्लोन कंपनी जिसका नाम है अफनान, शायद अगर आपने सुना हो, उसका एक बहुत अच्छा क्रीड एवेंट का क्लोन भी है सिल्वर के नाम से, अफनान, तो वो भी बहुत अच्छा क्लोन है क्रीड एवेंटस का। बट टुडे जब जो उन्होंने क्लोन निकाला है वो है 9 PM लमेल का, जेन पॉल नोबेल। ये इसकी बॉटल है, ठीक है, 9 PM अफनान। ये जो है 3.4 FLS 100 ml EDP कंसनट्रेशन है, एंड व्हेन आई से व्हेन अफनान से EDP, दे टेक इट वेरी सीरियसली, दिस इज़ एन EDP। इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। फ्रेगरेंस मैं बोलूँगा 80-90% है, बट ड्राई डाउन के बाद बिल्कुल सिमिलर है। कुछ लेवेंडर के नोट्स ऐसे हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, जो उसमें नहीं है, थोड़ी सी स्मूथनेस की कमी है, बट दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट क्लोन ऑफ लमेल, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। पैकेजिंग वेरी ऑर्डिनरी, कोई इतनी ख़ास नहीं है, बट थोड़ी हैवी बॉटल है, ठीक है। पैकेजिंग अगर इसको ओपन करें, ऊपर टॉप पे अफनान लिखा हुआ है, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो, ठीक है, और उसके बॉटम के ऊपर थोड़ी सी डिटेल, कंसंट्रेशन की डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। बात करते हैं ओपनिंग की, ओपन करें, ठीक है, कुछ ख़ास नहीं है। नाउ बात करते हैं बॉटल की, अमेजिंग बॉटल, अमेजिंग बॉटल गाइस। इससे अच्छी बॉटल मैंने इस प्राइस के अंदर अंडर 2000 मैंने नहीं देखी, अंडर 2000 और सिम 2000। मैंने ये 2200 की रुपीज़ ली क्योंकि डिलीवरी चार्जेस पे करने पड़ गए थे, ठीक है। और बॉटल क्वालिटी गाइस बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बड़ी बॉटल है, बहुत खूबसूरत, बहुत हैवी टाइप बॉटल है, बहुत हैवी कैप है इसका, अगर मैं दिखा सकूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी का कैप है इसका, ठीक है। और ऑटोमाइज़र बहुत ज़बरदस्त है इसका, ठीक है, अगर मैं फोकस कर सकूँ तो, ठीक है,
ऑटोमाइजर है, लीकेज का फ़िलहाल कोई इशू नहीं है, अमेजिंग क्वालिटी बॉटल। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको अपने हाथ में होल्ड किया तो मैंने कहा येस डेफिनेटली आई डोंट नो अबाउट द फ्रेगरेंसेज बट ये जो है बॉटल बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, फिर बात करते हैं ऑटोमाइजर की। ठीक है, अब मैं स्प्रे करता हूँ इसको। ऑटोमाइजर इसका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्प्रे करता है। जाते साथ ही कुछ फ्रेगरेंसेस डेफिनेटली ऐसी होती हैं कि जिनको आप एकदम से स्निफ नहीं करते, क्योंकि स्पिरिट उसमें इस कदर ज़्यादा होता है कि आपकी नाक में चढ़ जाता है। दिस इस केस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें इसके नोट्स की तो डेफिनेटली इसके टॉप में लैवेंडर, लैवेंडर बहुत प्रोमिनेंट है। बर्गमॉट और लैवेंडर जो है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म से प्रोमिनेंट है टॉप नोट्स के ऊपर। जैसे ही आप स्प्रे करते हैं लैवेंडर और बर्गमॉट का एकदम से ब्लास्ट निकलता है इसके अंदर से। ठीक है, और थोड़ा सा ड्राई डाउन होने के बाद जो है ना वो थोड़ा सा सिनेमनी और वनीला टाइप खुशबू आने लग जाती है ड्राई डाउन के बाद। बट जो वनीला की स्मेल बहुत प्रोमिनेंट होती है वो होती है ड्राई डाउन के बिल्कुल बाद, यानी कि 15 मिनट के बाद। बट मिड नोट्स के अंदर और बॉटम नोट्स के अंदर वनीला, एम्बर, ये दो बहुत ज़बरदस्त नोट्स हैं जो कि बेसिकली की नोट्स हैं लामेल के। लेकिन ये इज़ अ लैवेंडर बॉम्ब, बहुत ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। यूजली वन ऑफ द सेक्सीस्ट फ्रेगरेंस में आता है लामेल। इससे पहले कि मैं किसी और यू नो फ्रेगरेंस को मैंने नहीं देखा कि वो किसी ने किसी का क्लोन बनाया हो, बट जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके जूस से भी मैंने काफ़ी जब से लिया है मैं इसको यूज़ भी कर चुका हूँ ठीक ठाक ऑफिस में। और इसकी ट्रेल बहुत अच्छा है, सैलेज बहुत अच्छा है। इसका सैलेज 5 से 6 मीटर का है। रूम में खुशबू रहती है इसकी। मैं अगर अपने लगा कर अपने रूम से जाता हूँ वापस आता हूँ तो मुझे भीनी भीनी खुशबू आ रही होती है अपनी 8 घंटे के बाद भी। बाकी जब तक जहाँ तक रही इसकी लॉन्गजेविटी की, 8 घंटे डेफिनेटली आपकी स्किन के ऊपर रहता है। यूजली मेरी टाइमिंग होती है कि मैं सुबह जाता हूँ ऑफिस पे लगा के ऑफिस जाता हूँ देन वापस आता हूँ तो मेरे कपड़ों से आ रही होती है खुशबू। ठीक है, सैलेज हो गया इसका। लॉन्गजेविटी और प्रोजेक्शन मीडियम है, कोई इतनी ख़ास नहीं है। प्रोजेक्शन ये कि आपके पास से कोई गुजरेगा आपको उनको खुशबू आएगी। इनिशियली अगर आप लगाएंगे तो डेफिनेटली पूरे रूम में फैल जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है ये बिल्कुल सॉर्ट ऑफ यू नो क्लोज इनकाउंटर सेंट बन जाता है जो कि आपको बॉदर नहीं करता, तंग नहीं करता, सबसे अच्छी बात। तो जिनको लामेल का क्लोन चाहिए डेफिनेटली दिस इज़ वर्थ बाइंग फ्रेगरेंस फॉर 2200 रुपीज़। ये एक किस्सा इस तरह का क्रीड एवेंटस के क्लोन के साथ, क्लब इंटेंस मैन के साथ भी हुआ था। जब उनको पता चला कि दिस इज़ अ वेरी गुड क्लोन, पीपल स्टार्ट बाइंग, लोगों ने पागलों की तरह खरीदना शुरू कर दिया। 2200 की मैंने खरीदी थी, फिर 2500 की खरीदी, फिर 4000 की खरीदी, अब 4500 रुपये की है। अब तो काफ़ी सारी वेरिएशन भी आ गई हैं, EDT EDP और स्पेशल एडिशन भी आ गए हैं क्लब इंटेंस मैन के, उनको भी इंशाल्लाह आगे जाके हम रिव्यू करेंगे अपने चैनल के अंदर। बट गाइस दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लोन ऑफ लामेल बाय जेन पॉल। वेल डन अफनान बाय डूइंग सच, एंड आई होप कि ये इसको रिफॉर्मुलेट ना करें, क्योंकि यूजली इनमें भी रिफॉर्मुलेशन हो जाती है और जहाँ तक होता है कि लोग फेक बनाना शुरू कर देते हैं। तो इट्स बेटर टू गेट योर हैंड्स ऑन राइट नाउ ऑन दिस इफ़ यू रियली लाइक वेरी सेक्सी सेंट लामेल। एक सेक्सी सेंट है ऑफिस के लिए, इनडोर के लिए, पार्टी के लिए, दोस्तों के लिए, स्पेशली नाइट सेंट है ये। आप नाइट में, रात को, सर्दियों में बहुत ज़बरदस्त है, और ये सर्दियों में आपको 8 से 9 घंटे की जो है ना लॉन्गजेविटी देगा। दिस इज़ इट गाइज, आई एम मुसाफिर अहमद, दिस इज़ 9 PM बाय अफनान, बाय।